साल 2010 से 24 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन अल्फा या आई जनरेशन नाम दिया गया है, क्योंकि ये पहली जनरेशन है जिसने आईफोन आईपैड के शुरुआती दौर में ही दुनिया में कदम रख लिया था। टेक्नोलॉजी के इस विकसित दौर ने न केवल बच्चों के जीवन को बदला है, बल्कि बैंकिंग, स्वास्थ्य, पुलिस, न्याय जैसे क्षेत्रों को भी बदल दिया है, जिसका फायदा आपको व्यापार और सेवाओं तक पहुंचने में, एबिलिटी और एक्सपीरियंस को बढ़ाने में आसान दिखेगी। अब जब इतने बदलाव हो रहे हैं, तो न्याय व्यवस्था इस परिवर्तन से कैसे अछूती रहे? न्यायपालिका के डिजिटलीकरण में कौन सी संभावनाएं हैं? इन संभावनाओं से जुड़ी कौन सी चुनौतियां हैं और चुनौतियों के क्या समाधान हो सकते हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल देश के सबसे अहम तीन अंगों में से एक न्यायपालिका को अगर आधुनिक प्रौद्योगिकियों से जोड़ा जाए तो यहाँ के कई काम आसान हो सकते हैं, जैसे अदालती कार्यवाही के डिजिटलीकरण से कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी, साथ ही डॉक्यूमेंट्स को आसानी से मैनेज किया जा सकेगा। इसके अलावा ऑर्डर और जजमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना और पारदर्शिता को बनाए रखना भी आसान होगा। इस ओर सरकार कदम बढ़ाते हुए भारत में ई कोर्ट प्रोजेक्ट भी चला रही है। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर, जो काम को आसान करने के अलावा ऑटोमेट भी करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AI और मशीन लर्निंग की। दरअसल AI और मशीन लर्निंग बड़े अमाउंट में डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, साथ पैटर्न की पहचान करते हुए परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिसके चलते न केवल न्याय की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि हो सकती है, बल्कि पेंडिंग पड़े केस भी जल्द सॉल्व किए जा सकते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर SUVAS यानी सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट इफिशियंसी जैसे पोर्टल को देखा जा सकता है। बात ई फाइलिंग की करें तो इससे न केवल केस रजिस्टर करने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, बल्कि डेटा इनपुट में कम गलतियां होती हैं और वकील और वादी को अदालत में फिजिकल तौर पर प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा पार्टी जब चाहे जहां से चाहे रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक फायदा तो आपने COVID-19 के दौरान होने वाली कोर्ट सुनवाई में देखा ही होगा, जिससे न केवल सभी पार्टियां एक साथ शामिल होकर समय और पैसे की बचत कर सकती हैं, बल्कि यात्रा का बोझ भी कम होता है। अब इन सब के बाद आपको डाटा सेफ रखने की चिंता जरूर सता रही होगी, तो आपको बता दें ब्लॉकचेन तकनीकी अदालती रिकॉर्ड की सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने में मददगार साबित होगी, जिसके चलते डेटा से छेड़खानी नहीं हो सकती है। अभी तेलंगाना भूमि रिकॉर्ड को सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए ब्लॉकचेन ही यूज कर रहा है। खैर, इन सभी संभावनाओं के बाद भी कुछ प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, जैसे इन सब के बाद भी डाटा चोरी के लिए बेहतर साइबर सिक्योरिटी की तैयारी की जानी चाहिए, साथ पूर्वाग्रह और भेदभाव वाले व्यवहार को रोकने के लिए भारतीय AI सॉफ्टवेयर बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा कानूनी पेशेवरों को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना होगा, जिससे निजता के अधिकार का हनन भी रोका जाना संभव होगा। इसके अलावा इस तरह के सिस्टम को अपनाने में कॉस्ट भी काफी आने की संभावना है। साथ ही कोर्ट में ऐसी जगह जहां मानवीय निर्णय लिया जाना जरूरी है, वहां मशीनों से काम नहीं लिया जाना चाहिए। इस तरह से अगर हम डेटा सुरक्षा, पूर्वाग्रह, समझ, गोपनीयता, लागत और नैतिकता से संबंधित चुनौतियों का समाधान कर पाए तो न्याय क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बेहतर रोल प्ले करेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।